सो हेलो एवरीवन, मेरा नाम ब्रजेश मौर्य है और आपका स्वागत है बीएम लॉ क्लासेस में। आज हम स्टार्ट करेंगे लेसन टू। जो लेसन टू है नेशनल इनकम अकाउंटिंग एंड रिलेटेड कॉन्सेप्ट है, नेशनल इनकम एंड अकाउंटिंग एंड रिलेटेड कॉन्सेप्ट, ये हम आज स्टार्ट करने जा रहे हैं। जो इकोनॉमिक एंड बिजनेस एनवायरमेंट है उसका, अब ये जो हम पढ़ेंगे इसमें यह पढ़ेंगे कि नेशनल इनकम होती है, इसे हम कैसे निकालते हैं, और इससे रिलेटेड जैसे जीडीपी, ग्रॉस डेवलपमेंट प्रोडक्ट, ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में है। इस चैप्टर में हम क्या करेंगे कि हम जैसे जीडीपी निकालना, नेशनल इनकम निकालना, इन सब चीजों पे हम बहुत ज्यादा ध्यान देंगे कि क्या चीज इसमें इंक्लूड करना है, क्या चीज इंक्लूड करना है, क्या चीज एक्सक्लूड करना है, ये चीज हम बहुत ज्यादा ध्यान देंगे क्योंकि एग्जाम में जहां से क्वेश्चन बनेंगे वो इन्हीं में से बनने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा होगी। Now, अब बात करते हैं जैसे इंट्रोडक्शन में। पहले नेशनल इनकम इज एन अनसर्टेन टर्म व्हिच इज यूज्ड टू इंटरचेंजेबली विद द नेशनल डिविडेंड, नेशनल आउटपुट एंड नेशनल एक्सपेंडिचर। अब नेशनल इनकम एक अनसर्टेन टर्म है, इसका मतलब पूरा कंफर्म नहीं, सर्टेन नहीं, अनसर्टेन टर्म है, जो हम नेशनल डिविडेंड, नेशनल आउटपुट और नेशनल एक्सपेंडिचर की जगह यूज करते हैं। अब पॉइंट, नेशनल डिविडेंड क्या होता है, नेशनल डिविडेंड क्या, डिविडेंड एक तरफ का हो जाए, जैसे हमारे भारत में एम्प्लॉयमेंट जो है, एम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयमेंट ज्यादा है, तो इसका मतलब इंसान बहुत सारे हैं जो बहुत कुछ कर सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं, और वो हमारी जो नेशनल है उसे, हमारी जो जीडीपी है उसे ग्रोथ कर सकते हैं, इकोनॉमी को सही कर सकते हैं, उसे हम एक सिंपल लैंग्वेज में नेशनल डिविडेंड कहते हैं। नेशनल आउटपुट कि हमारे भारत में कितना प्रोड्यूस हो रहा है, कितना गुड्स प्रोड्यूस हो रहा है, उसे हम नेशनल आउटपुट कहेंगे। नेशनल एक्सपेंडिचर कितना खर्चा हो रहा है हमारे भारत में, कितना खर्चा हो रहा है, किन चीजों पर हो रहा है, वो नेशनल एक्सपेंडिचर यहाँ कहा जाएगा। इन सब चीजों की जगह हम नेशनल इनकम की जगह ये तीन वर्ड यूज कर सकते हैं। ऑन दिस बेसिस नेशनल इनकम हैज बीन डिफाइंड इन द नंबर ऑफ वे इन द कॉमन पैरलेंस। नेशनल इनकम मींस द टोटल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस एनुअली इन इंडिया। अगर नॉर्मल भाषा में कहा जाए तो नॉर्मल इनकम का मतलब टोटल वैल्यू, पूरे की पूरी टोटल वैल्यू ऑफ गुड्स सर्विस जो भी प्रोड्यूस करे जा रहे हैं एक साल के अंदर, भारत के अंदर, किसी भी कंट्री के अंदर, उसे हम नेशनल इनकम कहते हैं। नाउ इन अदर वर्ड बताया गया कि द टोटल इनकम, टोटल अमाउंट ऑफ इनकम अक्यूरिंग टू द कंट्री फॉर इकोनॉमिक एक्टिविटी इन अ ईयर्स टाइम टू नोन एज नेशनल इनकम। कोई भी इनकम जो कंट्री के अंदर फ्रॉम द इकोनॉमिक एक्टिविटी, जैसे इकोनॉमिक, जो इकोनॉमी को बढ़ाती हो उस चीज, वो सारी एक्टिविटी, उन सब की जितनी भी अमाउंट ऑफ इनकम है उसे हम क्या कहेंगे, नेशनल इनकम कहेंगे। नाउ इट इंक्लूड पेमेंट मेड टू ऑल रिसोर्स इन द फॉर्म ऑफ वेजेस, इंटरेस्ट रेट, रेंट एंड प्रॉफिट। ये जो इंक्लूड करता है, नेशनल इनकम में इंक्लूड करा जाता है हर तरह का पेमेंट जो रिसोर्स इन द फॉर्म ऑफ वेजेस में दिया जाता है, इंटरेस्ट में दिया जाता है, रेंट में दिया जाता है या प्रॉफिट में, उसे हम इंक्लूड करते हैं नेशनल इनकम में। नाउ बात करेंगे मेथड टू मेजर नेशनल इनकम, मेथड टू मेजर नेशनल इनकम। अब हमें याद रखना है कि जो नेशनल इनकम निकालने के मेथड है वो तीन तरीके हैं। पहले प्रोडक्ट और वैल्यू एडेड मेथड, इनकम मेथड और एक्सपेंडिचर मेथड। क्या क्या मेथड है, टोटल, द प्रोडक्ट और वैल्यू एडेड मेथड, इनकम मेथड और एक्सपेंडिचर मेथड। नाउ अब बात करते हैं प्रोडक्ट मेथड। प्रोडक्ट मेथड से कैसे नेशनल इनकम निकाल सकते हैं उसकी बात करेंगे। नाउ द प्रोडक्ट मेथड मेजर द कंट्रीब्यूशन ऑफ ईच प्रोड्यूसिंग एंटरप्राइज इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ द कंट्री। प्रोडक्ट मेथड में क्या करा जाता है, जितनी भी एंटरप्राइज है वो अपना कंट्रीब्यूशन देती है, जितना, जैसे हर एक एंटरप्राइज हर एक चीज प्रोड्यूस करती है, तो वो जितना प्रोड्यूस करती है फॉर द इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ द कंट्री, किसी भी
डोमेस्टिक टेरिटरी में किसी भी कंट्री कंट्री के अंदर, तो जितना प्रोड्यूस करती है उन सबको मिला के, हर एक कंट्री का मिला के जितना भी होता है उसे हम क्या कहते हैं, नेशनल इनकम कहते हैं। प्रोड्यूस इसका मतलब प्रोडक्ट मेथड में हम क्या करेंगे, जितने भी प्रोड्यूस होते हैं गुड और सर्विस उन सबको जितना भी प्रोड्यूस करा जा रहा है आउटपुट, नेशनल आउटपुट, उन सबको क्या कहेंगे हम, नेशनल इनकम कहेंगे। नाउ दिस मेथड इन्वॉल्व, अब हम क्या इन्वॉल्व करते हैं इस प्रोडक्ट मेथड में इसकी बात करेंगे। Identifying the producing enterprise and classifying them into the individual sector according to their activity. पहले हम ये देखेंगे, सबसे पहला ये करेंगे, step जो है method involve the following step. ठीक है, पहला हम ये करेंगे कि identify करेंगे कि कौन से enterprise क्या produce करती है, कौन सा enterprise क्या produce करती है। दूसरा वो जो produce करती है उसी की activity में उसे अलग sector में divide कर देंगे। जैसे बात करेंगे कि अगर कोई बात है कि सोप साबुन शैम्पू ये होम जो घर में इस्तेमाल होती है, जो घर में इस्तेमाल होती है ये अलग सेक्टर हो गई। फिर किसी से ले जाए पेट्रोल डीजल, ये क्या होगी, सीमेंट, ये सारी क्या होगी, अलग सेक्टर हो गई। तो इन और टेक्नोलॉजी सेक्टर अलग, इंडस्ट्रियल सेक्टर अलग, ये क्या क्या सारी एक अलग सेक्टर है। तो जो वो प्रोड्यूस कर रही है उन्हीं के एंटरप्राइज को अलग अलग सेक्टर में इंडिविजुअल में उन्हें डिवाइड कर दिया जाएगा। देन एस्टिमेट नेट वैल्यू एडेड ईच प्रोड्यूसिंग एंटरप्राइज एज वेल एज द इंडस्ट्रियल सेक्टर एंड एडिंग अप द नेट वैल्यू एडेड बाय द ऑल सेक्टर। नाउ अब हम क्या करेंगे, नेट वैल्यू एडेड निकालेंगे हर एक कंपनी का, हर एक एंटरप्राइज का, और उसके बाद हम हर एक एंटरप्राइज की जितने भी एंटरप्राइज की नेट वैल्यू एडेड है उन सबको हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे, तो हमारा टोटल प्रोडक्ट मेथड आ जाएगा। नाउ गुड एंड सर्विस आर काउंटेड इन द ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट देयर मार्केट वैल्यू, और जितने भी गुड एंड सर्विस है उन्हें हम क्या करेंगे मार्केट वैल्यू जो होगी उन पे काउंटेड करा जाएगा। द प्रोडक्ट अप्रोच डिफाइन अ नेशन्स ग्रोथ प्रोडक्ट एज द मार्केट वैल्यू ऑफ गुड एंड सर्विस करंटली प्रोड्यूस विद इन द नेशन ड्यूरिंग वन ईयर एंड पीरियड ऑफ टाइम। द प्रोडक्ट अप्रोच मेजरिंग नेशनल इनकम इन्वॉल्व द एडिंग ऑफ द वैल्यू ऑफ ऑल द फाइनल गुड्स and service produced in the country during the year. जो ये product approach है, ये method है, वो क्या करता है कि national income जितने भी हैं उनमें क्या add कर देता है, हर एक चीज add कर देता है, हर एक चीज की value जितने भी goods service हैं produce हो रहे हैं country में एक साल के अंदर उन सबको include कर देता है, include जोड़ देता है, जोड़ने के बाद जो value आती है उसी को हम income कहते हैं। Here we focus on the various sector of the economy and add up there the production during the year. The main sector whose production value is added up, agriculture, manufacturing, construction, transport and the communication, banking, administrative and the defense and the distribution of income. ये सारे sector जो हैं इन सब का include कर दिया जाता है production, जितना भी इन्होंने final good, final service जितनी provide करी है उनकी market value निकाली जाती है। market value निकालने के बाद उन सबको जोड़ दिया जाता है, तब हमारा नेशनल इनकम फाइंड करा जाता है। नाउ बात करते हैं प्रिकॉशन फॉर द प्रोडक्ट मेथड और वैल्यू एडेड मेथड। जब हम कभी भी प्रोडक्ट मेथड और वैल्यू एडेड मेथड, हमारे क्या क्या प्रिकॉशन होने, क्या क्या सावधानी हो सकती है हमें इन सब चीजों को जोड़ने से पहले। जब हम फाइंड करेंगे प्रोडक्ट वैल्यू मेथड और या फिर वैल्यू एडेड मेथड, तो हमें ये ध्यान देना होगा, हमें कुछ चीजें ध्यान देनी होंगी। और क्या चीज ध्यान देनी होगी, पहली चीज है प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग, कोई भी डबल काउंट नहीं होनी चाहिए। व्हेन वी एड अप वैल्यू ऑफ आउटपुट ऑफ वेरियस सेक्टर वी शुड केयरफुल टू अवॉइड डबल काउंटिंग। कभी भी हम अगर एड करते हैं वैल्यू ऑफ आउटपुट हर एक अलग अलग सेक्टर के, तो ये ध्यान देना चाहिए कि हमें डबल काउंटिंग नहीं हो रही। दिस pitfall can be avoided by the either counting the final value of the output or by including extra value that can each firm add to the item. अब ये कभी भी avoided करा जाता है counting में, ध्यान से counting करेंगे हम, extra value जो है उन सबको भी ध्यान देते हैं, हर एक चीज को ध्यान देंगे, तो हम क्या करेंगे avoid कर सकते हैं double counting। और हम जरूर ध्यान हर एक प्रोडक्ट मेथड में वैल्यू एडेड मेथड अगर काउंट कर रहे हैं तो जरूर ध्यान दें कि डबल काउंटिंग नहीं होनी चाहिए किसी भी वैल्यू की, किसी भी
वैल्यू ऑफ प्रोडक्ट की या फिर सर्विस की। नाउ वैल्यू एडिशन इन अ पर्टिकुलर ईयर, व्हेन द कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम द वैल्यू ऑफ गुड्स एडेड इन द पर्टिकुलर ईयर इन क्वेश्चन एल एड अप द वैल्यू व्हिच आर हैड प्रीवियसली हैड बीन एडेड टू स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल एंड गुड हैव बीन टू बी इग्नोर जीडीपी थस इंक्लूड ओनली दोज गुड एंड सर्विस दैट आर न्यूली प्रोड्यूस्ड विद इन द करंट पीरियड। अब इसमें क्या बोला है कि हम कभी भी प्रीवियस ईयर की वैल्यू ऑफ गुड्स नहीं इंक्लूड करेंगे करंट ईयर में, कभी भी करंट ईयर में हम उन्हीं प्रोडक्ट की वैल्यू इंक्लूड करेंगे उस करंट ईयर में जो जिस ईयर में वो प्रोड्यूस करेंगे। हम कभी भी फ्यूचर प्रोडक्ट की वैल्यू कभी भी करंट में यूज इंक्लूड नहीं कर ऐड नहीं करेंगे। Stock appreciation, if any, must be deducted from the value added. This is necessary as here in not real increase output. अब क्या करेंगे stock appreciation, इसका मतलब depreciation, amortization, ये सारी चीज जरूर हम deduct करेंगे। ये सारी चीजें हम जरूर deduct करेंगे, उनके बिना कभी भी net value नहीं आ सकती किसी भी product की, इसलिए हम stock appreciation पे भी गौर करेंगे। Now, production for self consumption, the production of goods for the self consumption should be measuring national income. कभी भी production हो रहा है for the self consumption, उसे भी हम count करेंगे, हम उसे भी add करेंगे जब हम measure करेंगे national income. In this method, the production of the good for the self consumption should be valued at the prevailing market price. और जो market price में चल रहा है उसी के market price पे हम उस product को जो हम self consumption के लिए use करेंगे उसे हम उस market price पे ही add करेंगे। समझे ना। अब दूसरे method की बात करते हैं, expenditure method. The expenditure method approach measure national income as a total spending on the final goods and service product within a national during year. अब expenditure method में जो होता है वो ऐसे measure करा जाता है कि कितना expenditure हुआ है output produce करने में, service produce करने में, उसमें जितना expenditure हुआ है उन सबको include करके हम national income निकालते हैं according to expenditure method. The expenditure approach to measuring the national income is to add up all expenditure made for the final goods and the service at the current market price by the household, firm and the government during a year. Total aggregate final expenditure on the final output thus is the sum of the four broad category of the expenditure. अब कुछ कैटेगरी दे रखे हैं जो बहुत बड़े पैमाने पे उन्हें हम बहुत ज्यादा एक्सपेंडिचर में इंक्लूड करते हैं। अब टोटल एक्सपेंडिचर जो कैसे मेजर कर जाता है, हम पहले उसमें कंजम्पशन जोड़ेंगे, इन्वेस्टमेंट जोड़ेंगे और ऐड करेंगे गवर्नमेंट एंड द नेट एक्सपोर्ट। इन सबको जब हम एग्रीगेट करेंगे तब जाके हमारा एक्सपेंडिचर मेथड से नेशनल इनकम आएगा। ना अब एक कंजम्पशन एक्सपेंडिचर क्या होता है जो डिफाइन करा जाता है सी से। कंजम्पशन एक्सपेंडिचर इज द लार्जेस्ट कंपोनेंट ऑफ द नेशनल इनकम। इट इंक्लूड एक्सपेंडिचर ऑन द ऑल गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस एंड सोल्ड टू द फाइनल कंज्यूमर ड्यूरिंग द ईयर। कंजम्पशन एक्सपेंडिचर वो एक्सपेंडिचर होते हैं जब हम कोई भी गुड्स बनाते हैं, सर्विस बनाते हैं, उसमें जो उतना भी पैसा लगता है उस गुड या सर्विस को बनाने में, प्रोड्यूस करने में, वो एक्सपेंडिचर। और वो एक्सपेंडिचर जब हम किसी भी फाइनल कंज्यूमर तक हम उस गुड्स को पहुंचाने में जितना भी हमारा खर्चा होता है उसे हम कंजम्पशन एक्सपेंडिचर में इंक्लूड करते हैं। नाउ बात करेंगे इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, जिसे आई से शो करा जाता है। इन्वेस्टमेंट इज अ यूज ऑफ टूडे रिसोर्स टू एक्सपेंड टुमोरो प्रोडक्शन और कंजम्पशन। इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर इनकर ऑन द बाय बिजनेस फर्म न्यू प्लांट एडिंग टू स्टॉक इन्वेंटरी एंड द न्यूली कंस्ट्रक्शन हाउसेस। अब इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर की बात कर रहे थे, वो इन्वेस्टमेंट जो हम आज तो यूज कर रहे हैं मगर आज उसे खरीद रहे हैं, मगर जो आज खरीदे वो फ्यूचर के लिए भी खरीद रहे हैं। जैसे कोई भी हम न्यू प्लांट लगा रहे हैं, कोई भी मशीनरी खरीद रहे हैं, हम क्या आज खरीद रहे हैं मगर जो उसका यूज होगा वो सालों तक होगा। तो क्या अभी के लिए वो क्या है, एक इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर है। एंड द न्यूली कंस्ट्रक्शन हाउस, और जो कोई भी हम नया कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं हाउस उसे भी हम इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर में इंक्लूड करेंगे। नाउ बात करते हैं गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, जो जिसे शो करते हैं
इट इज द सेकेंड लार्जेस्ट कंपोनेंट ऑफ नेशनल इनकम. इट इज इंक्लूड ऑल गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर और करंटली प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विस बट एक्सक्लूड ट्रांसफर पेमेंट वाइल कंप्यूटिंग नेशनल इनकम. अब यहाँ पे जो हर एक, अब हम क्या करेंगे, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर में क्या होता है कि गवर्नमेंट जितना भी खर्चा करती है, कोई भी करंट प्रोड्यूस गुड्स और सर्विस प्रोड्यूस करने में, उसे हम इंक्लूड करते हैं टोटल इनकम, नेशनल इनकम में. मगर ट्रांसफर पेमेंट वाइल कंप्यूटिंग नेशनल इनकम, मगर हम एक्सक्लूड करते हैं ट्रांसफर पेमेंट. अब ये ट्रांसफर पेमेंट क्या होते हैं इसकी बात करते हैं. कोई भी हम डोनेशन देते हैं, जैसे आश्रम में जितने भी चाइल्ड रह रहे किसी भी आश्रम में, ठीक है, फिर जितने भी विधवा लोग विडोज हैं उन्हें दिया जाता है पेंशन दिया जाता है, अनएम्प्लॉयमेंट पेंशन होते हैं, ये सारी जितने भी पेंशन है वो ट्रांसफर पेमेंट कहलाती है. तो उन सारी चीजों को हम गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर में इंक्लूड नहीं करते, ना बात करते हैं नेक्स्ट एक्सपोर्ट की. नेट एक्सपोर्ट आर डिफाइंड एज अ टोटल एक्सपोर्ट माइनस टोटल इंपोर्ट. जितना भी हमारा इंपोर्ट होता है, उसे हम एक्सपोर्ट में से माइनस कर देंगे, टोटल एक्सपोर्ट में से माइनस कर देंगे तो हमारा नेट एक्सपोर्ट आ जाएगा. इसे इंक्लूड करके, इन चारों को इंक्लूड करके हमारा क्या आ जाता है, नेशनल इनकम आ जाता है अकॉर्डिंग टू एक्सपेंडिचर मेथड से. अब इसमें भी ध्यान देते हैं प्रिकॉशन, जब भी हम एक्सपेंडिचर मेथड से नेशनल इनकम निकालेंगे तो क्या क्या प्रिकॉशन होंगी. Now, the expenditure on the second-hand goods should not be included as they do not contribute the current year's production of goods. अब कोई भी second-hand goods है, उस पे expenditure हो रहा है, तो उसे हम include नहीं करेंगे जब हम national income निकालेंगे from the method of expenditure method. Now, similarly, expenditure on purchase of old shares and bond is not included as they also do not represent expenditure of currently produced goods and service. और कोई भी शेयर से, बॉन्ड से, इन सबको इंक्लूड नहीं करा जाएगा एक्सपेंडिचर में, ना एक्सपेंडिचर ऑन द ट्रांसफर पेमेंट बाय द गवर्नमेंट सच एज द अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट, जैसे मैंने बताया, ओल्ड एज पेंशन, इंटरेस्ट ऑन द पब्लिक डेट शुड ऑल्सो नॉट बी इंक्लूड बिकॉज नो प्रोडक्टिविटी सर्विस रेंडर इन एक्सचेंज बाय द रिसिपिएंट ऑफ दिस पेमेंट. अब क्यों नहीं करा जाएगा, क्यों नहीं इंक्लूड करा जाएगा, क्योंकि हम अगर पेंशन देते हैं, बेनिफिट देते हैं, तो इसके बदले हमें कुछ नहीं मिलता, इसके बदले कोई भी रेवेन्यू जनरेट नहीं होती, इसलिए हमें इस एक्सपेंडिचर में इंक्लूड नहीं करेंगे जब हम नेशनल इनकम काउंट मेजर करेंगे. अब बात करते हैं हम थर्ड, जो है हमारा इनकम मेथड. इनकम अप्रोच इज अनदर अल्टरनेटिव वे ऑफ द कंप्यूटिंग नेशनल इनकम. दिस मेथड सीक टू मेजर नेशनल इनकम एट द फेस ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन इन प्रोडक्शन प्रोसेस ऑफ इकोनॉमी इन फैक्टर ऑफ द प्रोडक्शन आर एंगेज इन द एंटरप्राइज दे आर पेड मनी इनकम फॉर देयर पार्टिसिपेशन इन द प्रोडक्शन द पेमेंट रिसीव बाय द फैक्टर एंड द पेड बाय द एंटरप्राइज आर वेजेस रेंट इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट. नेशनल इनकम थस मे बी डिफाइंड एज सम ऑफ वेजेस रेंट interest and profit received or accrued to the factor of production in lieu of their service in production of goods. Now, इसमें यही बोला है कि income method में यही है कि अगर हम कोई भी goods या service produce कर रहे हैं, तो हमें उसमें क्या है कि वो अपने आप तो कभी produce होंगे नहीं, क्योंकि फाइनल गुड्स बनाने में और सर्विस प्रोवाइड करने में हमें किसी ना किसी पर्सन की, जरूरत होती है. तो जब हम किसी पर्सन की हेल्प लेते हैं तो उसके, वो जो हमें सर्विस प्रोवाइड करेगा हम उसके फेवर में उससे तो कुछ देंगे ही देंगे. तो जब कोई सर्विस प्रोवाइड करता था हम उसे वेजेस पे करते हैं, रेंट पे करते हैं, इंटरेस्ट या फिर प्रॉफिट देते हैं, तो जो सारी चीजें कोई भी गुड्स प्रोड्यूस करने में, कोई भी सर्विस प्रोवाइड करने में, जितना भी पेमेंट होता है पेड करा जाता है, उसे हम नेशनल इनकम में इंक्लूड कर जाते हैं अकॉर्डिंग टू इनकम मेथड से. जैसे इन्होंने बता रखा है कि फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, इसका मतलब जो भी प्रोडक्शन करने में फैक्टर लग रहे हैं, जैसे वेजेस, रेंट, इंटरेस्ट और प्रॉफिट, इन सब को इंक्लूड करके हम नेशनल इनकम निकाल सकते हैं अकॉर्डिंग टू इनकम मेथड. नाउ
बात करते हैं फोर कैटेगरी पेमेंट आर ब्रीफली डिस्क्राइब बिलो। फर्स्ट वेजेस इन द लार्जेस्ट कंपोनेंट ऑफ नेशनल इनकम इट कंसिस्टेंट वे ऑफ वेजेस एंड सैलरी अलोंग विद द फ्रिंज बेनिफिट एंड एम्प्लॉयमेंट इंश्योरेंस। अब जब भी हम इन वेजेस देते हैं सैलरीज देते हैं कभी भी हम वेजेस देते हैं सैलरी देते हैं तो उसे इंक्लूड करेंगे हम नेशनल इनकम में और उसके साथ फ्रिंज बेनिफिट और अनएम्प्लॉयमेंट इंश्योरेंस जो भी है वो सारी चीज भी इंक्लूड करी जाएगी जब हम वेजेस सैलरी इंक्लूड करेंगे। रेंट रेंट आर द इनकम फ्रॉम द प्रॉपर्ली रिसीव बाय द हाउस होल्ड। अब कोई भी रेंट रिसीव हो रहा है रेंट पेड रेंट दिया जा रहा है रेंट दे जा रहा है क्योंकि कभी भी आप किसी की प्रॉपर्टी यूज करेंगे उसके अगेंस्ट आप रेंट दोगे तो रेंट जो दिया जा रहा है वो भी इंक्लूड करा जाएगा। इंटरेस्ट इज अ इनकम प्राइवेट बिजनेस पे टू हाउस होल्ड हु हैव लेंट द बिजनेस मनी। अब इंटरेस्ट पे कर रहे हैं। अब जैसे भी हम किसी भी बैंक से जब हम कोई भी लोन लेते हैं तो उसके ऊपर हम इंटरेस्ट पे करते हैं जो इंटरेस्ट पे कर रहे हैं वो भी उसे भी हम इंक्लूड करेंगे जब हम मेजर करेंगे नेशनल इनकम। प्रॉफिट आर नॉर्मली डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरी प्रॉफिट ऑफ इनकॉर्पोरेटेड बिजनेस एंड प्रॉफिट ऑफ अनइनकॉर्पोरेटेड बिजनेस जैसे सोल प्रोप्राइटरशिप पार्टनरशिप प्रोड्यूसर अनकॉर्पोरेटिव। अब प्रॉफिट ऑफ द इनकॉर्पोरेटेड बिजनेस जितने भी कंपनी एक्ट के अंदर इनकॉर्पोरेटेड होते हैं रजिस्टर होते हैं उसे हम इनकॉर्पोरेटेड मान लें सिंपल में और उनका जितना भी प्रॉफिट होता है वो इंक्लूड करा जाएगा और अनइनकॉर्पोरेटेड जैसे सोल प्रोप्राइटरशिप पार्टनरशिप या फिर प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव है ये सारी चीजें इन सब की जितने भी प्रॉफिट होते हैं उसे भी इंक्लूड करा जाएगा और इन चारों चीजों को इंक्लूड करके हम नेशनल इनकम निकाल सकते हैं अकॉर्डिंग टू इनकम मेथड। नाउ बात करते हैं प्रिकॉशन फॉर इनकम मेथड व्हाइल एस्टिमेटिंग नेशनल इनकम थ्रू द इनकम मेथड फॉलोइंग प्रिकॉशन शुड बी अंडरटेक। अब क्या क्या प्रिकॉशन होंगे ट्रांसफर पेमेंट एज अ गिफ्ट डोनेशन स्कॉलरशिप इनडायरेक्ट टैक्स शुड नॉट बी इंक्लूड। कोई भी गिफ्ट हो रहा है डोनेशन करा जा रहा है स्कॉलरशिप हो रहा है इनडायरेक्ट टैक्स हो रहा है इन सबको इंक्लूड नहीं करा जाएगा नेशनल मेथड में इनकम मेथड में। इलीगली मनी अर्न थ्रू द स्मगलिंग एंड गैम्बलिंग शुड नॉट बी इंक्लूड। कोई भी इलीगल मनी अर्न करा जा रहा है किसी भी तरीके से स्मगलिंग गैम्बलिंग इन सबको भी इंक्लूड नहीं करा जाएगा। When the full gain such as the prize won lottery etc is not included. कोई भी prize won हो रहा है lottery include हो आप जीत रहे इन सब को भी हम नहीं include करेंगे national income में according to income method. ना और चौथा दे रखा है receipt from the sale of financial assets such as the shares bonds will not be included. अब कोई भी shares bond आप sale कर रहे हैं और उससे आपको कोई भी प्रॉफिट हो रहा है कोई भी प्रॉफिट हो रहा है रिसीट हो रहा है तो उसे भी हम इंक्लूड नहीं करेंगे। सो ये था हमारा नेशनल इनकम तक कि नेशनल इनकम कैसे मेजर करा जाता है तीन तरीके दे रखे थे एक्सपेंडिचर मेथड इनकम मेथड और थर्ड जो था वो था हमारा प्रोडक्ट मेथड। सो आज के लिए इतना ही काफी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो।